नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे आज मैंने बनाई है राखी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कैरेमल फिल्ड चॉकलेट, जो बहुत ही सरल तरीके से हम बनाना झटपट से सीखेंगे। और मैं इसके अंदर का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए बहुत सॉफ्ट होती है ये देखिए अंदर से जो है कैरेमल इस तरीके से निकलेगा, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए झटपट से हम कैरेमल फिल्ड चॉकलेट बनाना सीखें। कैरेमल सॉस बनाने के लिए हम एक चौड़े पैन में आधा कप चीनी इसको इस तरीके से फैला देंगे। इसको पूरा इस तरीके से फैलाना है एक जैसा, ताकि चीनी जितनी फैली रहेगी उतने अच्छे से मेल्ट होगी। और अब हम गैस जला देते हैं और इस चीनी को हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है, अपने आप इसको मेल्ट होने देना है, यानी कैरेमल इसका बनेगा और ना ही हमें इसमें पानी डालना है। तो इस चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए हमारी चीनी जो है थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने आई है और अब हम इस पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे। ये देखिए अभी साइडों में और मेल्ट होगी ये, जैसे मेल्ट होगी हम गैस बंद कर देंगे, तभी हमारा कैरेमल जो है बढ़िया बनेगा। तो हमारी शक्कर मेल्ट हो गई, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें हम 1/4 कप बटर डाल देते हैं। बटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस बंद कर रखा है, इस बटर को हमने मेल्ट कर दिया। अब हम गैस जलाएंगे और बिल्कुल कम आंच पर इसमें हम क्रीम मिलाएंगे। अब इसमें हम 1/4 कप अमूल क्रीम डाल देंगे। अभी गैस बंद कर रखा है हमने, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे और अब इसको हम सिर्फ 2 मिनट कम आंच पर पकाएंगे। देखिएगा आप बिल्कुल अच्छा सुंदर सा कलर आएगा इसका। तो देखिए हमारा ये कैरेमल सॉस जो है बन करके तैयार है। अब इसको हम बाउल में खाली कर लेते हैं, गैस हमने बंद कर दिया। इसको थोड़ी देर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। चॉकलेट के लिए हमने मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड ले लिया है, दोनों बराबर मात्रा में लिए हैं। तो 100-100 ग्राम मैंने जैसे ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लें कम ज़्यादा, और दोनों बराबर इक्वल पार्ट में लेंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट का टेस्ट है वो बढ़िया बैठे, ना ज़्यादा मीठी और ना ज़्यादा डार्क कलर की लगेगी। तो इनको हम कर लेते हैं। चॉकलेट को हम डबल बॉयलर करेंगे, तो हम इसको भगोनी में करेंगे। तो भगोनी में हमने थोड़ा पानी ले लिया, इसको हम तेज़ गर्म करेंगे। मैंने कटोरा भी इसके ऊपर रख दिया है, आँच अभी हम इतनी रखेंगे कि पानी हमारा उबलता रहे और ज़्यादा पानी इसके टच ना हो, पानी का हाथ नहीं लगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम इसमें चॉकलेट डाल देते हैं। कटोरा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले रख दिया था तो ये गर्म हो गया, तो अब आसानी से हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ी देर होने देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। तो देखिए हमारी चॉकलेट जो है खूब अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम नीचे उतार लेते हैं इसको। चॉकलेट हमने नीचे उतार लिए और अब इसको हम ठंडी होने देंगे, थोड़ी हल्की गुनगुनी होने देंगे। गरम गरम में हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हाथ जलने का भी डर है और चॉकलेट में जो है शाइनिंग भी नहीं आती है। और इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको फेंटेंगे तो इसमें काफ़ी शाइनिंग होगी और ये ठंडी भी हो जाएगी। तो हल्की गुनगुनी कर लेते हैं। तो इसको एक बार एक साइड में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडी होती तब तक हम मोल्ड्स तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की ये राउंड वाला है, एक ये वाला शेप है, जो भी आपके पास हो इस तरीके के चॉकलेट मोल्ड्स बाज़ार में अवेलेबल हैं। तो इनको हम कपड़े से साफ़ करेंगे, इस तरीके से इसमें कोई मॉइस्चर नहीं हो इसका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए पोंछ लेंगे, और पोंछ लेने से क्या होगा कि जब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेट में जो है काफ़ी अच्छी शाइनिंग आएगी। तो इसलिए हम इसको कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। मोल्ड में चॉकलेट डालने के लिए हम इस कोण का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पॉलीथीन से भी कर सकते हैं और चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा फिनिशिंग से डलेगी। तो मैं इस कोण में हल्की गुनगुनी हमारी जो चॉकलेट है घुली हुई उसको डालेंगे। चॉकलेट मोल्ड को हम इस कोण से साइडों से पूरा कवर कर देंगे। इसको इस तरीके से भरना नहीं है हमें, सिर्फ इसकी बाहर की लेयर तैयार करने के लिए हमें इसको इस तरीके से कवर करना है। अब
लार्ज चॉकलेट मोल्ड को इस तरीके से करके हम टेप करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख के इसको सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी डिज़ाइन भी बना लेंगे, तो उसको भी हम फिल कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये 5 मिनट में देखिए हमारी चॉकलेट जो है अंदर इसकी जो सेट हो गई है। और अब इसमें हम फिल करेंगे, कोण में भरकर हमने जो कैरेमल सॉस बनाया है उसे हम भरेंगे। वो ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा ही भरेंगे। चम्मच से भी कर सकते हैं आप ये काम। तो ये देखिए हमने सारा कैरेमल सॉस इसमें भर दिया और इसको भी हम एक बार टेप कर देंगे। वो ज़्यादा नहीं भरना है कैरेमल सॉस। और अब इस पर हम से कवर कर देंगे ऊपर से। अब अच्छे से भर लेंगे इसको। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। हमने चॉकलेट से भी फिल कर दिया। अब इसको हम फिर से टेप करेंगे ताकि ऊपर से एक साथ हो जाए और एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो सूखने के बाद हम उसको अलग साफ कर लेंगे। और इसको अच्छे से टेप करेंगे और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 5 मिनट में हमारी चॉकलेट देखिए सेट हो गई। मैंने एक बटर पेपर रख लिया है प्लेट में और इस पर हम इस तरीके से हल्का सा टेप करेंगे तो ये आसानी से निकल आती है। तो इस तरीके से ये हल्का सा हम प्रेस करते हैं तो उससे ये निकल आती है चॉकलेट इस तरीके से। ये वाली भी हमारे सेट हो गई है। और गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा देर रख लें फ्रिज में तो ये इजीली निकल जाती है, क्योंकि कैरेमल होता है तो कई बार सेट नहीं हो पाता है गर्मी की वजह से। और बिल्कुल हल्का सा टेप करते हैं इसमें निकल जाती है ये। तो देखिए हमने फ्रिज में रख करके इनको बाहर निकाल लिया मोल्ड में से। और बस थोड़ा सा आप ज़्यादा रख लें अगर आपको चॉकलेट निकालने में दिक्कत आ रही है तो। और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है क्योंकि कैरेमल होता है तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, गर्मी में तो ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप भी इस तरीके से इस चॉकलेट को एक बार बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।